हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त समीर और मेरे चैनल तूबा हॉस्पिटैलिटी पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं एक ताज़ा तरीन अपडेट के साथ में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास कोई डिग्री कोई डिप्लोमा नहीं है, सिर्फ प्लस टू करे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ 10+2 अपना फिनिश किया है यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से, बट उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी वो अप्लाई करना चाहते हैं टीम मेंबर में, क्रू मेंबर में, सर्विस क्रू में और कॉफी मेकर या बरिस्ता लाइन में। बट बहुत से लोगों के अंदर कंफ्यूजन होती है कि टीम मेंबर और सर्विस क्रू होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीम मेंबर क्या क्या काम करना होता है, सर्विस क्रू में आपको कौन कौन सी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है और कौन कौन से टास्क हैं। इससे पहले ही मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए दोबारा से बना रहा हूँ, एक फ्रेश वीडियो, ताकि उन लोगों तक मैसेज पहुंच सके। क्लियरली मैं बता सकूं कि अगर आप टीम मेंबर के लिए या फिर आप सर्विस क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपके अंदर किस किस तरह की कोई खूबी होनी चाहिए और कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है सर्विस क्रू का या टीम मेंबर का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी, बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि टीम मेंबर में होता क्या है, टीम मेंबर किसे कहते हैं, टीम मेंबर में हमें क्या काम करना पड़ेगा, सर्विस क्रू क्या होता है। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सर्विस क्रू टीम मेंबर होता है ऑलराउंडर। अगर आप किसी क्यूएसआर शॉप में, क्यूएसआर रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हैं, क्यूएसआर होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जिस तरह से आप मैकडोनल्ड जाते हैं, केएफसी जाते हैं, बर्गर किंग जाते हैं और डोमिनोज जाते हैं, वो सारे जो फूड में रिटेल आउटलेट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्यूएसआर। यानी कि आपने ऑर्डर दिया, आपका ऑर्डर प्रिपेयर हुआ, फटाफट बनकर आ गया, यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, आपको क्विक सर्विस मिल रही है। अगर आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, क्यूएसआर में जा रहे हैं एज ए टीम मेंबर, तो आपको वहां पर सारे काम करने पड़ सकते हैं। आपको किचन के अंदर कटिंग चॉपिंग भी करनी है, आपको क्लीनिंग भी करनी है, किचन के अंदर भी क्लीन करना है, आपको अपना जो बैक बार है उसको भी क्लीन करना है और एक्सटीरियर यानी कि जो डाइनिंग एरिया है उसको भी आपको क्लीन करना है। आपको वहां पर POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स पे आपको वहां पर कैशिंग भी करनी है, कैश हैंडलिंग करनी है, कंप्यूटराइज बिलिंग होती है, आपको ऑर्डर लेना भी है, ऑर्डर प्रिपेयर करना भी है। और हो सकता है अगर आपको कस्टमर, आपका कोई सीनियर नहीं है तो आपको जो भी कंप्लेंट आएगी कस्टमर की उसको आपको हैंडल करना है। आपको क्लीनिंग से किसी तरह का कोई परहेज नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं क्लीनिंग के नाम पर हाथ खड़े कर देते हैं कि क्लीनिंग हमसे नहीं होगी, उनका ईगो हर्ट होता है, पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में, होटल इंडस्ट्री में अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं क्यूएसआर चैन से, कॉफी शॉप से, तो आप अपना मन बना लीजिए कि आपको वहां पर ब्रश भी लगाना पड़ सकता है, मोप भी लगाना पड़ सकता है आपको, आपको अपना बैक बार एरिया पूरा क्लीन करना है और वक्त पड़ने पर आपको अपना जो पर्सनली टॉयलेट यूज करते हैं आप क्यूएसआर चैन में, तो वो भी आपको यूज करना, क्लीन करना है, जो आप खुद यूज कर रहे हो, जो आप कस्टमर यूज करते हैं। आपको पब्लिक टॉयलेट साफ भी करना है, जो आपके रेस्टोरेंट के अंदर का टॉयलेट है, वॉशरूम है, उसको आपको क्लीन करना है। मेक श्योर आपके दिमाग में ये बात आ चुकी होगी कि क्लीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। रेस्टोरेंट लाइन में जा रहे हो तो आपको क्लीनिंग करना ही करना है, ठीक है। और इसके लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया, कौन कौन सी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, सबसे बेसिक चीज क्या है, आपके अंदर हाइजीन होना चाहिए, यानी कि पर्सनल हाइजीन आपका इसका मैंडेटरी है। आपको उसमें डेली बाथ, डेली नहाना है, डेली शेव बनाना है। और दूसरी बात यह है कि इसमें आपको क्लीन शेव रहना है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो शेप बनाने से थोड़ा परहेज रखते हैं कि सर मैं दाढ़ी नहीं साफ करवाऊंगा, मैं क्लीन शेप बहुत बुरा लगता हूं, मैं खत रखता हूं, मैंने कभी शेव नहीं बनाया है, हमेशा दाढ़ी रखी है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, प्लीज आप हॉस्पिटैलिटी में अपना कैरियर ना बनाएं, आप लोगों के लिए ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नहीं है। अगर आप डेली शेप बना सकते हैं, वेल ग्रूम होकर आ सकते हैं, तभी इंटरव्यू में आइए, तभी अपना कैरियर बनाने की सोचिए। दूसरी चीज, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने ना पढ़ा है ना लिखा है फिर भी आप टीम मेंबर। बहुत से लोगों के दिमाग में बात रहती है कि अरे वेटर ही तो काम है। आपको बताना चाहूंगा कि वेटर और सर्विस क्रू दोनों प्रोफाइल बहुत ही अलग है। एक वेटर होते हैं, नॉर्मली हम लोग खाना खाने जाते हैं कि गुप्ता जी के छोले भटूरे खा लिए, पंडित जी के छोले कुलचे खा लिए, तो वहां पर जो वेटरी कर रहा है वो वेटर नहीं है, वो एक नॉर्मली होटल लेबर है। एक होता है प्रोफेशनल वेटर, जिसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री होती है, उसको बाकायदा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेन किया जाता है, टेबल मैनर सिखाए जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ सर्विस सिखाई जाती है। वो एक आम इंसान उस तरह की वेटर सर्विस नहीं कर सकता है, वो एक प्रोफेशनल वेटर होता है जिसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है और उसका पूरा टेबल का लेआउट पता है, उसको पूरा सीक्वेंस ऑफ सर्विसेज पता होती हैं और साथ में उसको अपने ग्रूमिंग का भी ध्यान रहता है। तो ये वेटर में, और जो नॉर्मली हम लोग खाना खाने जाते हैं होटलों में, उस तरह के
वेटर में जमीन आसमान का फर्क होता है। टीम मेंबर और वेटर दोनों प्रोफाइल अलग अलग है, लेकिन दोनों में आपको क्लीन शेव रहना है, वेल ग्रूम रहना है। और दूसरी बात, अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं टीम मेंबर सर्विस क्रू में, या फिर दुबई के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, फॉर एग्जांपल आप कुवैत जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, तो उस इंटरव्यू में आने के लिए भी आपका जो ड्रेस है वो फॉर्मल होना चाहिए, आपने क्लीन शेव आना है, सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लाना है, और बहुत अच्छे तरीके से फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन के बारे में आपको पढ़ना है, क्रॉस कंटेमिनेशन क्या होता है, ये सब चीजें आप पढ़ोगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये फूड इंडस्ट्री है क्या, और QSR क्या है, फाइन डाइन क्या है, कैजुअल डाइन क्या है। तो मेक श्योर आप लोगों के समझ में आ चुका होगा कि टीम मेंबर में आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, टीम मेंबर में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल KFC ज्वाइन कर रहे हो, या डोमिनोज ज्वाइन कर रहे हैं, आप बर्गर किंग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी आप जो छोटा मोटा QSR ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्लीनिंग भी करनी है, आपको वॉशरूम भी क्लीन करना है, आपको किचन के अंदर भी काम करना है, आपको फ्रंट पे भी काम करना है, आपको बैक में भी काम करना है। अगर कस्टमर कुछ गंदगी करके गया है टेबल पे, तो वक्त पड़ने पर आपको टेबल भी क्लीन करना पड़ सकती है। तो ये सारे जो टास्क है ये टीम मेंबर के हैं, सर्विस क्रू के हैं, आपको सारे काम करने हैं। और जिन लोगों के पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, उन लोगों के पास ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप अपना टीम मेंबर लेवल 1 से स्टार्ट करें। आपने सिर्फ इंटर कर रखा है, ना आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ना आपके पास कोई ऐसी प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री कुछ नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, ओपन ऑप्शन रहता है कि आप बर्गर किंग ज्वाइन कर लें, KFC ज्वाइन कर लें, मैकडी ज्वाइन कर लें आप, या फिर आप कोई कॉफी चेन ज्वाइन कर लें, जैसे कि ब्लू टोकाई है, और आपका थर्ड वेव है, कैफे कॉफी डे है, कॉस्टो कॉफी है, ये लोग प्लस टू के बंदों को हायर करते हैं। अगर आप ये लोग भी हायर नहीं कर सकते तो हमारे पास आ सकते हैं, हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे अच्छे तरीके से। हमारे पास प्रोफेशनल बरिस्टा ट्रेनर है, और मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, और काफी सारे हमारा अच्छा सेटअप है यहाँ पर, तो अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बाहर जाना चाहते हैं, आपने इंडिया में काम नहीं करना है, आप ट्रेनिंग लेके सीधा जाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने अब सर्विस क्रू का भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रखी है, जिसका बहुत ही नॉर्मल सा चार्ज है। चार्ज क्या है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फूड सेफ्टी से लेके पर्सनल हाइजीन तक, पर्सनल हाइजीन से लेके आपका सीक्वेंस ऑफ सर्विसेज सब हम सिखाते हैं, किस तरह से कस्टमर अटेंड करते हैं, कब कैश लेना है, कब आई कॉन्टैक्ट करना है, तो ये सारी चीजें हमारे ट्रेनिंग के मॉडल में रहती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और शेयरों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट।